आज का रोज जिसने जिसने भी देखा होगा लिटरली काफी मजेदार था और फाइनली हमें रिया रिपली वापस से अपना रिटर्न करते हुए दिखी। और जैसे ही लिव मॉर्गन रिया रिपली को देखती है ऐसा लगता है कि वो भूत को देख लिए, वो दौड़ के वहां से भाग रही होती है। और बेचारा डॉमडॉम तो एक सेकंड के लिए शॉकी हो गया कि मैं क्या देख रहा हूँ ये। वैसे जब रिया रिपली जाके डॉमडॉम से बात कर रही होती है रिंग में, तभी लिव मॉर्गन पीछे छुप के रिया रिपली को देख रही होती है और देखती है कि वो क्या कर रही है रिंग में। यार अब आपको कुछ नहीं दिखने वाला है शायद से डॉमडॉम और लिव मॉर्गन के बीच। तो हो सकता है कि उनका ये स्टोरी लाइन एक एंडिंग पॉइंट ही हो, क्योंकि आप लोग तो डॉमडॉम को जानते ही हो, जब वो लिव मॉर्गन के साथ रहते हैं तभी भी वो काफी दूर भागते हैं उनसे। अब तो मामी यानी कि रिया रिपली आ गई है, अब तो वो बात भी नहीं करने वाले है लिव मॉर्गन से। बट गाइस सीरियसली मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी रिया रिपली अपना रिटर्न करने वाली है। मुझे लगा था शायद वो समर स्लैम के अराउंड दिखने वाली है, बट इतना जल्दी। और आज के रॉ में रिया रिपली आने वाली है इस बात का पता था डेमन फिश को। इनफैक्ट बैक स्टेज एक ऐसा सीन देखने को मिला था जहाँ पे डेमन फिश फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं। तो गाइस आप समझ सकते हो वो रिया रिपली है जिससे डेमन फिश बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज। जब रिया रिपली आती है रिंग में उसके बाद वो जिस तरह से डॉमडॉम को देख रही होती है, डॉमडॉम लिटरली काफी शॉक है उस टाइम में। इनफैक्ट इतना कुछ होने के बाद फिर भी लिव मॉर्गन अभी तक सुधरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जैसे ही ये खत्म हुआ रॉ का एपिसोड वैसे ही वो अपना डीपी चेंज कर रही है ट्विटर में। और आज के रॉ में एक सीन देखने को मिला था लिव मॉर्गन और डॉमडॉम का, वही वाला सीन का वो डीपी लगा के रखी है। मुझे नहीं लगता है कि लिव मॉर्गन इतनी जल्दी सुधरने वाली है। फैंस तो सोशल मीडिया में डॉमडॉम का मजाक भी उड़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अब हमें हेल्प करना चाहिए डॉमडॉम को कि उन्हें कौन सा नगेट्स चाहिए। वैसे आज के रॉ में एक काफी फनी मोमेंट देखने को मिलता है जिसको शायद कोई भूल पाएगा इस मोमेंट को देखने के बाद। एक्चुअली होता ये है कि लिव मॉर्गन डॉमडॉम के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो शायद वहाँ पे डॉमडॉम ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मुझे इंजरी है। तभी लिव मॉर्गन उनका पांव पकड़ लेती है और बोलती है आओ मैं आपका पैर दबा देती हूँ। और जैसे ही मूवमेंट हो रहा होता है वहाँ पे डेमन फिश और उनके सारे जजमेंट डे के मेंबर्स यानी कि फिन बेला कार्लिटो एकदम बंदर की तरह झांक रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको ये सीन देखने के बाद हंसी ना आई होगी, क्योंकि लिटरली ये काफी फनी मूवमेंट था। उसके बाद जैसे ही लिव मॉर्गन उन लोगों को देखती है लिव मॉर्गन वहाँ से भाग जाती है, बेचारे डॉमडॉम फंस जाते हैं और डॉमडॉम बोलते हैं अरे भाई मुझे स्पेस दो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि डेमन फिश को पता था कि रिया रिपली आने वाली है, इसलिए वो डॉमडॉम को डांटे भी नहीं और बोले ठीक है सब सिचुएशन सुधर जाएगा धीरे धीरे, फिर बोलते हुए ये लोग सब चले जाते हैं। बट गाइस इन सब में मुझे सबसे ज्यादा फनी किसी का फेस लगता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कार्लिटो है, उनका फेस देख सकते हो। इनफैक्ट जब रिया रिपली वापस से रिटर्न कर लेती है तो डॉमडॉम उनसे काफी ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं, वो उनके पीछे पीछे भी दौड़ रहे होते हैं। बट रिया रिपली अलग ही गुस्से में, वो बात ही नहीं करना चाहती है डॉमडॉम से। अब गाइस आप ऐसा समझो कि नेक्स्ट जो भी रॉ का एपिसोड होगा वो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि फेस ऑफ देखने को मिलेगा डॉमडॉम और रिया रिपली का। जब दोनों एक साथ आमने सामने आते हैं तो क्या होने वाला है इस टाइम का तो सभी को वेट है। मुझे तो लगता है कि लिव मॉर्गन बहुत ज्यादा डांटने वाली है डॉमडॉम को कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी और के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं बॉर्डर्स के बारे में। आज बॉर्डर्स को देखा गया कि वो एडम पियर्स के ऑफिस में नजर आए थे। आज बहुत दिन बाद देखने को मिला कि बॉर्डर्स व्हाइट सिक्स के अपीयरेंस में नहीं थे, वो एडम पियर्स से मिलने भी आए थे तो काफी फॉर्मल सा कपड़ा पहन के आए थे। नेक्स्ट बात करते हैं एरिक रोबन के बारे में, यानी कि व्हाइट सिक्स का आज 11 साल हो गया जब व्हाइट सिक्स ने WWE में डेब्यू किया था। यार बट करंट टाइम में व्हाइट सिक्स का कैरेक्टर काफी ज्यादा बोरिंग दिखा रहा है, लाइक सेम ही हो रहा है, कोई आती है बॉक्स देती है फिर चली जाती है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है अभी व्हाइट सिक्स का फैक्शन। यार मुझे तो ये लग रहा है कि अभी WWE में ये हाल है, जब नेटफ्लिक्स में चला जाएगा उसके बाद क्या ही होगा WWE में सीन देखने को। शायद ऐसा भी हो सकता है कि जब नेटफ्लिक्स में चला जाएगा तो मैं शायद नहीं भी देखने वाली हूँ। आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता कि मैं कब तक WWE का वीडियोस बनाना कंटिन्यू करने वाली हूँ। और यहाँ तक कि फैंस भी सोशल मीडिया में यही बात करे कि जब रिया रिपली और लिव मॉर्गन का जो फ्यूंड होगा वो WWE हिस्ट्री का बेस्ट फ्यूंड होने वाला है, क्योंकि इससे पहले उमेश डिविजन में इतना बड़ा वाला फ्यूंड कभी भी देखने को नहीं मिला है। ऐसा सीन होगा जब दोनों एक दूसरे से जलती हुई दिखेगी। बट इस पूरे स्टोरी लाइन में अगर कोई मेन रोल प्ले कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉमडॉम है। यानी कि WWE में आपको आने वाले टाइम में ऐसा भी देखने को मिलने वाला है जब डॉमडॉम को लिव मॉर्गन और रिया रिपली में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक WWE में CM Punk रिटर्न कर चुके हैं, सेथ रॉलिंस, अंकल हॉडी, रिया रिपली सबका रिटर्न देखने को मिल चुका है। अब तो वेट है बस दो सुपरस्टार का, वो है रोमन रिंग्स और शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर का तो मुझे नहीं पता, बट रोमन रिंग्स का पता है कि वो समर स्लैम में ही अपना रिटर्न करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने
इस बार का मनी इन द बैंक देखा था उससे साफ पता चला था कि मनी इन द बैंक तो काफी अच्छा गया था। उसके बाद किसी ने सोचा नहीं था कि WWE यानी कि ट्रिपल एच इतने अच्छे से बुक करेंगे रॉ का एपिसोड को। जो भी हुआ बट मजा आया आज का रॉ का एपिसोड देखने में। और आपको आगे फ्यूचर में डेमन प्रिस्ट और सेथ रॉलिंस के बीच फिर से एक मैच देखने को मिल सकता है, इस बात की काफी हाई प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्यारे रोमन न्यूज के बारे में। यार गाइस टाइम कितना जल्दी चेंज होता है ना। पहले जो लोग हमारे रोमन न्यूज को गाली दिया करते थे अब वही रोमन न्यूज की तारीफ करते हैं। और हर एक स्मैकडाउन में देखने को मिलता है कि लोग काफी ज्यादा चैंटिंग कर रहे हैं वी वांट रोमन वी वांट रोमन। इनफैक्ट रोमन न्यूज तो रिसेंटली डांस करते हुए भी दिखाई दिए। रोमन न्यूज का एक वीडियो क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जब वो अपने पापा के फ्यूनरल में डांस कर रहे होते हैं। यार मैं जब भी रोमन न्यूज को देखती हूँ मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। लाइक मुझे उन्हें देख के काफी खुशी लगती है, उनका अपीयरेंस उनका लुक उनका एवरीथिंग। बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि एडम पियर्स ने ड्रू मैकइंटायर को सस्पेंड कर दिया था, उसी का रिप्लाई देते हुए ड्रू मैकइंटायर ये बोलते हुए नजर आए अगर आप अच्छे से अपना ड्यूटी करते तो ये मूवमेंट आता ही नहीं कि मैं आपको धक्का देता। यार अभी करंट टाइम में ड्रू मैकइंटायर तो अलग ही जोन में जा चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जय उषा के बारे में। जय उषा जब भी व्हाइट सिक्स को देखते हैं तब भी वो वहां से भाग जाते हैं। आज के रॉ में देखने को मिला जब वो व्हाइट सिक्स को देखते हैं तो वो बोलते हैं ईट और फिर वहां से भाग जाते हैं चैट गेबल को अकेला छोड़कर। नेक्स्ट बात करते हैं सोलो शिकवा के बारे में। सोलो शिकवा अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालते हैं जिसपे वो लिखते हैं इट्स जस्ट बिगेन। मतलब गाइस अभी सोलो शिकवा जो भी कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है कि वो अभी बस स्टार्टिंग कर रहे हैं इन सब चीज का। जिस तरह से वो रोमन न्यूज को चैलेंज कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में भी वो चैलेंज ही करने वाले हैं हमारे रोमन न्यूज को। तो गाइस अब देखते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में सोलो शिकवा बंदर क्या कुछ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो लाइक थोड़ा सा ही पसंद आता तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में लिटरली गाइस बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग मुझे हर दिन सपोर्ट करोगे तो मैं हर दिन आपके लिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहूंगी।